चौकीदार दफादार का शनिवार को 8वें दिन आमरण अनशन खत्म हो गया है। जमुई सांसद अरुण भारती ने गर्दिनाबाग धरना स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को आश्वासन देते हुए खत्म कराया है। जेबी गोलंबर पर इन पर लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, मजबूरन उन्हें अनशन समाप्त करना पड़ा। पूरे मानसून सत्र के दौरान चौकीदार दफादार सड़क पर संघर्ष करते नजर आए। वहीं लोजपा रामविलास गुट के सांसद अरुण भारती चौकीदार दफादार की मांगों का समर्थन किया है। अनशन पर बैठे चौकीदार दफादार से मुलाकात करने पहुंचे अरुण भारती ने कहा कि उनकी मांग जायज है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। हम लोग को जैसे ही पता चला और लोकसभा सिर्फ स्थगित हुआ इस शुक्रवार को, उसके बाद लगातार लोकसभा के समय भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ लगातार हम लोग वार्तालाप में थे कि इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान होना चाहिए। और इसके लिए आपको मैं याद दिला दूं कि जैसे ही हम लोग को पता चला कि हमारे दफादार चौकीदार भाई लोग यहाँ पे अनशन पे हैं, तो था कि पहली फुर्सत में ही हम लोग आएंगे। समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, हमारा जो भी समाज है कमज़ोर है, अक्लियत है, और बिहार के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे सांसद, हमारे पार्टी के नेता, सब लोग उनके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा उनकी आपत्तियों में विपत्तियों में उनके साथ खड़े रहेंगे और कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि 7 जुलाई 2024 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो समाधान निकलेगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। लाठीचार्ज के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इस अनशन और आंदोलन के दौरान चौकीदार दफादार समुदाय की समस्याएं और मांगे उजागर हुई हैं। उनके संघर्ष और आगामी योजनाओं से स्पष्ट है कि वो अपने हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली उनके आंदोलन को और भी मजबूती देगी और सरकार पर दबाव बनाएगी। सांसद ने आगे कहा कि हम लोगों ने उनका अनशन जूस पीकर तोड़वाया है, हम कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने मुझे संदेश लेकर के यहाँ भेजा कि आप जाइए, हमारे जो भी दफादार चौकीदार हमारे समाज के लोग बिहार के लोग हैं, आप हमारा संदेश लेकर के जाइए कि हम लोग आपकी हर विपत्ति में आपके साथ खड़े हैं और हम लोग कहीं से भी कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। यहाँ आ करके सारी बातें बताई हम लोगों ने, बताने के बाद हम लोगों ने सबका अनशन जूस पी करके पिला करके तुड़वाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो सकारात्मक पहल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे वो समाधान सभी पक्षों को मान्य होगा। सर, लंबे समय से ये लोग धरना पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है कब तक ये लोग मांग चली जाएगी? देखिए, इसकी पहल और पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है और मुझे हम लोगों को लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, इस पे एक सकारात्मक समाधान होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी इनका साथ देगी और इन्हें इनकी मांगों को दिलाने में अपना पूरा सहयोग और समर्थन देगी ताकि इनको राहत मिल सके। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।